लेंगे? सबसे पहले हम स्किन को क्लीन करेंगे थोड़ा, कि जो डस्ट है वो इससे निकल जाएगी। तो मैम कह रहे हैं पहला हम फेस वॉश करेंगे जिसमें, तो घर में आपके पास फेस वॉश होगा, आप अपना फेस को वॉश कीजिएगा। यहाँ पर हम नहीं कर रहे क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो अभी हमने एक वेट टिश्यू लिया है और आपका फेस क्लीन कर दिया है। एक बार जब आपने फेस वॉश कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम स्क्रबिंग करते हैं। सो स्क्रब मैम ने मुझसे ले लिया है एंड मैम यूज करने लगी है। हमने थोड़ा ही लेना होता है स्क्रब, क्योंकि और जो स्क्रब होते हैं वो हम काफी सारा लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लेना होता है, सिर्फ एक इतना ही लेना होता है, ज्यादा नहीं हमने लेना होता इसमें। तो हमने ऐसे हमने नहीं लगाना, बाकी जो स्किन है हमारी टाइट ही रहे। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, कोई भी स्किन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे आप क्लींजर कर रहे हो, चाहे आप क्रीम लगा रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, हमेशा आपको अपवर्ड लगाना चाहिए, ऊपर की तरफ और अपर डायरेक्शन ऑलवेज। मैम के लिए हो गया, तो मैम ने सिर्फ मैंने स्क्रब भी किया, देखो कितना फेस शाइन कर रहा है इनका। तो क्या आप लोगों को फेस पे डिफरेंस दिख रहा है, स्क्रबिंग हुई है?